आज की वीडियो हमारी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लिस्टिंग लेकर आए हैं वो फॉर सेल नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया है कि यूनिट वन घर बेचता ही नहीं बल्कि घर बनाता भी है, तो आज जिस घर का हम रिव्यू करने के लिए आए हैं ये हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जिसको RFN कंस्ट्रक्शन वालों ने जो है कंस्ट्रक्शन करी है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वीडियो बनाने का मकसद ये है, हमें जो इस घर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो बिल्कुल जीरो से लेके 100 तक बनाने का दिया गया था, जिसके अंदर हमने क्लाइंट को जब डिलीवर करना है तो इस घर की चाबी डिलीवर करनी है और बस वो आए और इस घर के अंदर शिफ्ट हो जाए। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात है वीडियो बनाने की, ये एक बहुत इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन है, 120 गज का सिंगल स्टोरी कंप्लीट फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन A+ क्वालिटी की गई है। मैं दावत दूंगा RFN कंस्ट्रक्शन वालों के जो इंजीनियर हैं वासिफ भाई, इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है, वो हमें आकर बताएं कि इन्होंने अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करी हैं और किस क्वालिटी का जो है इन्होंने सामान इसके अंदर लगाया। हमारे साथ वासिफ भाई जो है वीडियो में उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया है कि इसमें वासिफ भाई ने A+ कैटेगरी का काम किया है, तो मैं वासिफ भाई से पूछना चाहूँगा कि A+ के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इंस्टॉल करी हैं, और उसके बाद में इनसे फिर कंपेयर करेंगे कि A+ के बाद ए कैटेगरी और बी कैटेगरी भी क्या क्या हो सकती है और उसमें पैसों में क्या डिफरेंस आता है। तो अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि भाई आप देख सकते हैं A+ कैटेगरी के लिए आप सबसे पहले आ जाए यहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम के टाइल्स का साइज़ देखिए हमारा, ये लगाई हुई हमने 12x36 की टाइल, मतलब फिट बाय 3 फिट की टाइल हमारी लगी हुई है। इसकी प्राइसिंग है 2600 रुपये मीटर तकरीबन। सही है। और आपने, मैं देख रहा हूं कि आपने वैनिटी भी, माशाल्लाह वैनिटी भी लगाई है। ये A+ कैटेगरी का काम है, ये बी कैटेगरी का काम नहीं है। वैसे नॉर्मली जो 120 गज में होती है वैनिटी नहीं बनती, जैसे आपने किसी भी बैंगलों में जाके देखा होगा, हाँ सिंपल बेसन लगा होता है, बिल्कुल ग्रेनाइट मार्बल ही 650 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। जो वैनिटी आप देख रहे हैं 8000 रुपये की एक वैनिटी है, और इसका नल जो लगा हुआ है वो भी 8000 रुपये का। ये 2 छत्ती टाइप है, असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो इसमें रिक्वायरमेंट थी पार्टी के हिसाब से थोड़ी चेंजेस हम करते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और खास नज़र आ रही है, इसके अंदर दरवाजे बहुत बड़े साइज के लगे हुए हैं, ये लगाने की क्या वजह है वासिफ भाई? दरवाजे हम असल में ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, पहले 7 फिट के लगते थे और 1 फिट के वेंटिलेटर होता था, आजकल दरवाजे चल रहे हैं ये चल रहे हैं 8 फिट के, 8 फिट की इनकी लेंथ है। और दूसरा ये इनके जो सारे लॉक्स लगाए हमने, हैंडल लॉक लगाए खास कंपनी के, 2000 रुपये का ये एक हैंडल लॉक। सारी चीज़ें जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले मेंशन करी थी? नहीं, करने के बाद आपने इनको लगा कर दी थी? नहीं, मेंशन नहीं थी, मगर ये असल में हमारा एक शौक भी है। अब जो है वो क्लाइंट को जो भी चीज़ अच्छी से अच्छी, जैसे भाई कोशिश हमारी यही होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारा काम है, हमारा शौक है ये। अब जो है वो घर की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है किचन। हाँ, आपके मैं आपको किचन दिखाता हूँ भाई। आरफिन साहब, किचन आप देख सकते हैं, किचन में हमारा यूज हुआ है ग्रेनाइट, ये मार्बल टॉप जो लगा, मार्बल टॉप जो लगी हुई है, ग्रेनाइट लगी हुई है, 650 रुपये स्क्वायर फीट, ये आपको A+ कैटेगरी के काम में ही मिल सकता है। और ये जो आप ये सिर्फ ये जाली देख रहे हैं ना, ये SS की जाली, ये सेट सिर्फ 20000 रुपये का है। जी, अलग तरह के फ्रूट वगैरह और जी, ये हमारे A+ कैटेगरी में काम, ये नजर तो नहीं आते पैसे, मगर होते बड़ी कॉस्टिंग वाले, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और इसके साथ ये जो किचन कैबिनेट वगैरह बने हुए हैं, ये मैं कहले जी एक्रेलिक में यूज करते हो, ये इसका भी टाइल वही लगा हुआ है, 2600 रुपये मीटर वाला टाइल लगा हुआ है। ये साथ जो आपने इसके मार्केट टाइल, जी 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 जी, ये आप इसका टैप देख सकते हैं, ये भी 7500 रुपये का एक नल है भाई। इसमें सिर्फ मुझे इसमें कॉस्टिंग में तकरीबन मेरे काम में कॉस्टिंग में सिर्फ किचन में जो आ जाती है कॉस्ट, वो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये तक आ जाती है। मतलब ये 2.5 लाख रुपये का जो है वो इस तरह का सिर्फ किचन है, 2.5 लाख रुपये का सिर्फ किचन है। फिर अगर आप ये डिवाइडर पे आ जाओ, 40000 का सिर्फ मुझे डिवाइडर पड़ता है। इंटरकॉम, इंटरकॉम पार्टी की डिमांड थी कि आप ये प्री इंस्टॉल करके देते हैं? ये भी नहीं, ये हमारी खुद की है, पार्टी की डिमांड नहीं थी, पार्टी की डिमांड नहीं थी। मैंने आपके जैसे पहले बताया ना कि मेरा शौक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो अपने घर में सहूलत रखूं वही प्रोवाइड करूं। सही। और मार्बल के ऊपर आते हैं, तो मार्बल आपने कौन सा संभाल किया? ये मैंने किया है कमांडो फैंसी, उसकी वजह ये है क्योंकि चाइना ब्रोना भी हम लगा सकते थे, ये पार्टी की रिक्वायरमेंट थी, मैं तो टाइल लगाता हूँ चाइना का, ठीक है, मगर ये रिक्वायरमेंट थी पार्टी की, मार्बल ठंडा रहता है
जिसकी वजह से हमने ये मार्बल लगाया कमांडो फैंसी, चाइना वरोना भी लगा सकते थे मगर उसमें शेड का फर्क आ जाता। सही, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शेड इसमें नहीं है। मैं आप गेट से एंटर होते हैं पीछे तक जाने पे, इसमें शेड में वेरिएशंस नहीं भाई। मैं ये खड़ा होके खुद खड़ा होके लेके आता हूँ मार्बल, और जब लगाते हैं तो एक फालतू मिस्त्री देता हूँ, एक फालतू मजदूर देता हूँ जिसका काम होता है सिर्फ छाटना मार्बल एक ही शेड, जो एक शेड का हो ताकि वो एक कमरे के अंदर एक शेड का। बिल्कुल 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 दिए। और एक चीज़ और, आप मुझे ये बताएं कि आपने सीवरेज का काम जो करा है और जो पानी का काम इसके अंदर सारा हुआ है, उसके अंदर आपने पाइपिंग कौन सी इस्तेमाल की हुई है, कितने इंच की है? सारी हमने जो पाइपिंग इस्तेमाल की हुई है वो सारी है गर्म की लाइन हमने सारी। मतलब ये कि ठंडे के अंदर भी आपने गर्म का इस्तेमाल किया? ठंडे की हमने इस्तेमाल नहीं की इसमें, हर जगह हमने गर्म की इस्तेमाल की। सीवरेज सिर्फ ठंडे का ही होता है, सीवरेज ठंडे का होता है। और आपने गैस की लाइन जो है वो? गैस की लाइन हमारी जी आई कंपनी की, लोग ठेकेदार इसमें कर रहे हैं आजकल, मिक्स कर रहे हैं लोग, क्या करते हैं लोहे की ना? हाँ लोहे की है, जीआई की क्योंकि अप्रूव भी वही है। ठेकेदार क्या कर रहे हैं आजकल, इसमें पीपीआर यूज़ करते थे, वो सस्ती नाली है, 2000 की नाली है तो 1000 रुपये की मिल जाती है, जिसकी वजह से सुई गैस वालों ने भी इसमें बैंड लगा दिया है और ये लोग अब ओपन मांगते हैं। मतलब ये रिक्वायरमेंट एसएचजीसी की है, एसएचजीसी की है। बाकी जो है वो अगर हम वॉशिंग एरिया की तरफ जाएं तो वॉशिंग एरिया में यहाँ से नजर आ रहा है कि आपने दीवार के ऊपर भी मार्बल लगा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैं आपसे बार बार इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे हमारे तवस्सुत से, हमारे चैनल के तवस्सुत से आपको कॉल करता है, तो ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा वर्क जो हुआ हुआ है ये सारा आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करते हैं? ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा मेंशन होता है, एक एक चीज सब क्लियर डिफाइंड होता है इसके अंदर कि आप क्या क्या काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जो लिख दिया जाएगा साइन हो जाएगा, उसके अलावा हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इसमें अंडरग्राउंड टैंक आपने कितना बड़ा बनाया है और ऊपर की टंकी जो है वो? अंडरग्राउंड जो टैंक है इसमें बना है 2500 गैलन का, मतलब डबल टैंक आराम से आ जाता है। तो अभी असल में फर्स्ट फ्लोर बना नहीं है तो इसलिए प्लास्टिक की टंकी रखी है, प्लास्टिक की टंकी रखी। अब वासिफ भाई मुझे ये बताएं कि अंदर तो हमने कवर कर लिया, अब आप ये बताएं कि एलिवेशन को आपने किस तरीके से डिज़ाइन कराया और एलिवेशन पे स्टोन कौन सा लगाया है और सामने गेट आपने लगाया। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपने फर्स्ट फ्लोर के लिए बिल्कुल सेपरेट गेट दिया है, तो ये भी क्लाइंट की डिमांड थी या आपने अपनी तरफ से जो है वो इनको सेपरेट करके दिया गेट? भाई पहले तो आ जाता है एलिवेशन, तो ये है यूनिक पत्थर लगा हुआ है। लेकिन वासिफ भाई ये गंदा नहीं हो जाएगा मिट्टी में? नहीं भाई, जिस तरीके से इसकी खूबसूरती है इस पर पानी मारे आप वॉश इजीली वॉश कर सकते हैं इसको। और ये जो तार दी हुई है किसी चीज़ की? ये लाइट लगेगी इस पर, डाउन लाइट लगेगी। हाँ डाउन लाइट लगेगी, डबल लाइट लगेगी, आजकल जो फैंसी लाइट चल रही है। मतलब ये सारी जितनी आप डेकोरेशन का सारा काम कर रहे हैं ये सारा जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है? बिल्कुल, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो क्लाइंट की डिमांड थी। एलिवेशन तो हमारे है, हमारी डिजाइनिंग का है, कोई डिमांड नहीं, क्योंकि सिंगल स्टोरी में अगर आप घुमाएं देखें किसी का एलिवेशन नहीं होगा। अच्छा अब मुझे बताएं कि अंदर जो है जो आपने गैरेज दिया है, गैरेज में पार्क कर गाड़ी पार्क करके देखी आपने एक छोटी गाड़ी की पार्किंग? छोटी गाड़ी आराम से इजीली आ जाती है इसके अंदर पार्क करके देखी। मतलब यहाँ पे ऑल्टो मीरा वगैरह, ऑल्टो मीरा वगैरह इजीली आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। इस चीज़ का आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि आपने जो दो गेट लगाए हैं ये क्लाइंट की डिमांड पे लगे हैं ये आप? नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट की डिमांड पे नहीं लगे, ये लगाते हैं देते हैं हम, क्योंकि कल को अगर रेंट पे देना चाहें तो उसका अलग रास्ता हो। सही है। और ये जो एसएस की रीलिंग लगाई है ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है चीज़ें सारी? देखिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होती, जैसे मैंने बताया मेरा शौक भी है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं अपने घर के लिए चीज़ें लगाऊँ तो मैं लगाऊँ। इन्होंने तो कुछ नहीं बोला था, पार्टी ने डिमांड नहीं थी इसकी, तो लोहे का भी मैं लगा के देता जी ना, वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। बट मैं लगाता हूँ एसएस का ही, थोड़ा महंगा पड़ता है मगर खूबसूरती आपने इतनी सारी एक्स्ट्रा बोर्ड नजर आ रही है, किस चीज के दिए आपने? ये मोटर्स के पॉइंट है, और ये आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है ये जनरेटर का पॉइंट दिया हुआ है, जनरेटर की गैस का पॉइंट दिया हुआ है। सही, और जनरेटर को यूपीएस की कनेक्ट कर? जी जी जी, यूपीएस की लाइन भी है, यूपीएस की लाइन भी दी हुई है, यूपीएस की पूरे घर में वायरिंग हुई हुई ऑलरेडी। सही है, जनरेटर की भी वायरिंग हुई हुई ऑलरेडी। और दूसरा ये अगर सोलर कल को ये लगाना चाहे तो मैंने एक एक्स्ट्रा पाइप दिया हुआ है, उस पर इजिली वायरिंग हो सकती है। यहाँ पे पैनल एक्स्ट्रा काम है ना, ये एक्स्ट्रा काम है जो मैं कोशिश करता हूँ अपने घर में भी हो, और वही मैंने काम अपना घर समझ के मैं काम करता हूँ, मेरी आदत है। और ये एक ये वॉशरूम बनाया एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए, ये गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा वॉशरूम बनाया। और यहाँ पे जो ये जाली के दरवाजे लगे हुए, ये जाली के दरवाजे लगे हुए, तो ये तो क्लाइंट की डिमांड है, ये तो ये ठेकेदार नहीं लगाते, क्लाइंट की डिमांड इसलिए लगाएंगे। और जो है वो वॉशरूम जो है ये वाली वॉशरूम की भी जो है वो डिमांड थी, ये वॉशरूम आप बना कर देते हैं? ये वॉशरूम हम बनाते हैं गेस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आप अभी ये देख रहे हैं सेल्फी, अगर आप मेरे साथ चले कैपिटल सोसाइटी और मेरे अपने सेल आउट के लिए बनाया जी जी, उसमें भी आप जाके देखें यही चीज़ मैंने रखी है गेस्ट के लिए, मैं अलग वॉशरूम देता हूँ। और यहाँ ये है कि वहाँ पे गैलरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने की डिमांड के हिसाब से गैलरी दी है। ठीक है, लगा हुआ सामने जो नजर आ रहा है लगा हुआ, ये इलेक्ट्रिक लॉक का एडाप्टर है, इलेक्ट्रिक लॉक भी जो है वो जी इंटरकॉम लगा हुआ इधर। सही है,
ताकि अंदर से ही जैसे आपको जैसे वायरिंग हुई है, डिजाइनिंग की है, ये आप डिजाइनिंग बताए नीचे बनी हुई है जी, लाइट्स इसमें बिल्कुल इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है इसमें नीचे में। अच्छा, ये थ्री फेस की सारे कनेक्शन हुए हैं, लाइन वाइज आई थ्री फेस है, 120 गज में सिंगल फेज लिया था, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिक के चार्जेस भी डबल हो गए, जिसकी वजह से अब थ्री फेज लगाना बिल्कुल फजूल हो गया। अच्छा, मुझे एक आप लोग भी चाहते हैं कि वासिफ भाई जो है वो आपके घर को, आपके ख्वाबों के घर को दोबारा बनाए, तो आपको मैं वासिफ भाई का नंबर आपको वीडियो में मेंशन आ रहा नजर आ रहा होगा। अब असल बात आती है कि सिंगल स्टोरी घर बना कितने का वासिफ भाई, कॉस्टिंग अब आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे। भाई कॉस्टिंग जो आ रही है अब इसकी आ रही है तकरीबन 40 से 45 लाख, 40 से 45 लाख, ये अभी बन चुका है, अब इस आगे काम पे से बढ़ रहे हैं इस काम ए प्लस काम की जो काम आपने देखा है ना, सही है, इसकी कॉस्ट आ रही 40 से 45 लाख। अभी अगर मिसाल के तौर पे वीडियो हमारी 6 महीने बाद को बंदा देखता है, 6 महीने बाद के हिसाब से होगा, अभी चल रहा है 3500 रुपये स्क्वायर फीट इस काम के, इस काम के 3500 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। सिंगल स्टोरी है तो 1080 ही काउंट होगा, ये नहीं छज्जा भी काउंट होता है इसमें। अच्छा, छज्जा वो जैसे आपने डबल 36 के अंदर दिए और टंकी टावर काउंट होगा, सब ये अलग से काउंट होता है। आगे हमारा एक प्रोजेक्ट 400 गज का वासिफ भाई के साथ आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डे वन से लेके डे एंड तक वासिफ भाई के साथ होंगे, और हफ्ते का 15 दिन का एक एक ब्लॉग आता रहेगा, जिसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, बेस से इंशाल्लाह, वो बहुत सारे जो नए आने वाले बिल्डर हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, और जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, और बाकी अल्लाह पाक से अगर हमारे नसीब में रोजी लिखी हुई तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो काम भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।